हेलो स्टूडेंट्स, सो मैं बात करने वाला हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसके बारे में आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि ऐसा आईआईटीज के अंदर नहीं हो रहा, आईआईएससी बेंगलोर में नहीं हो रहा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा, लेकिन मुंबई यूनिवर्सिटी में कैसे हो रहा। हमारे देश के जितने भी बिलियनर लोग हैं, जो करोड़ों के अंदर अभी बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे मुंबई यूनिवर्सिटी से पढ़े हो। चाहे वो टाटा है, चाहे वो अंबानी है, चाहे वो बाटा है, चाहे वो बजाज है, चाहे वो बिरला है, कुछ भी हो। चलिए देखते हैं इसकी वेबसाइट पे कौन कौन इसके एलुमनाज है। ओके, महात्मा गांधी, सोच सकते हो, महात्मा गांधी भी मुंबई यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। भाई कितना पुराना कॉलेज है ये। सो स्टूडेंट्स, ये मुंबई यूनिवर्सिटी की जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, और अब आप यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे महात्मा गांधी, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर, देन बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, देन उसके बाद में है दादा भाई नौरोजी, देन ये देख सकते हो ब्रजेश मेहता, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे जो इसरो को स्टार्ट करने वाले विक्रम साराभाई सर है, देन हमारे भारत के बहुत अच्छे साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, एमसी चंगला, टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा, ये जो अनिल कोकोडर, अजीत प्रेम जी का, अजीम प्रेम जी का आपने नाम सुना होगा, अभी के फेमस बिजनेसमैन मुकेश अंबानी भी मुंबई यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, ठीक है। सुनील गावस्कर का नाम सुना होगा, मुंबई यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, ये रघुनाथ मुफ्ती केकर का आपका नाम सुना होगा, ये भी मुंबई यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, ठीक है। देन उसके बाद में ये देख सकते हो, ये जुबिन मेहता मुंबई यूनिवर्सिटी से पढ़े, अजय पिरामिल मुंबई यूनिवर्सिटी से पढ़े, समिता पाटिल मुंबई यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, माय गॉड राकेश झुंझुनू वाला, क्या समझते हो, मुंबई यूनिवर्सिटी से पढ़ा। हर्षद मेहता नहीं आया क्या? महात्मा गांधी मुंबई यूनिवर्सिटी, अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, होमी जहांगीर बाबा, जमशेद जी टाटा, ऐसे थे जिन्होंने जो है मुंबई के अंदर, मुंबई का एक इंस्टीट्यूट है बॉम्बे फ्लाइंग क्लब, बॉम्बे फ्लाइंग क्लब के अंदर 1928 के अंदर स्टार्ट हुआ था, और 1900 सो स्टूडेंट्स 1929 के अंदर ये इंडिया के पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने जो है पायलट का कॉमर्शियल लाइसेंस यानी कि सीपीए लिया था। आप बॉम्बे फ्लाइंग क्लब की वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं कि इंडिया के पहले सीपीए लेने वाले कौन थे, हमारे जमशेद जी टाटा ही थे जिन्होंने वहां से पहला सीपीए लिया था और इंडिया के पहले पायलट बने थे। बाद में उन्होंने स्टार्ट भी किया था एयरलाइंस वगैरह, फिर गवर्नमेंट ने इनसे छीन लिया एयर इंडिया, लेकिन फाइनली टाटा इज बैक और हमारे रतन टाटा सर ने फिर से धमाका कर दिया एयरलाइन इंडस्ट्री में और फिर से गवर्नमेंट से वापस छीन लिया एयर इंडिया, ठीक है। सो आप जस्ट मुझे फॉलो कर सकते हो मुंबई यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग जो भी आपको न्यूज़ वगैरह चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू सो मच। आपको और भी मेरा ब्लॉगिंग चैनल है तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, एविनेशन बाबा, उसके ऊपर हम जो है एविनेशन रिलेटेड फील्ड्स भी हो जाए, मैं एरोस्पेस इंजीनियर एंड अनबॉक्सिंग एंड अदर अदर, आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे अदर देन एजुकेशन एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिकॉज अभी स्पेस टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा स्कोप है, ठीक है। थैंक यू सो मच।